मैंने लास्ट सेकंड पार्ट है इसमें हम ना केरी के अबाउट जो कि हमने प्रैक्टिस की थी ड्राइंग बुक पे, उस पर ही हम अपना मेहंदी से प्रैक्टिस करेंगे शीशे के साथ। आपने देखा मैंने वही केरी बनाई, उस पर हम्स बनाए और डॉट्स लगाए, मगर हम जो इस पर थोड़े बड़े बड़े बनेंगे और जो हम अंदर फिलिंग हम्स की करें वो थोड़ी बारीक फिलिंग करेंगे, ताकि हमारी थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप लोगों को आए। हम अब मैं दूसरा स्टाइल स्टार्ट कर रही हूँ केरी का ही, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है डिफरेंट चीज़ों में। इसमें हमने देखा होगा नीचे से डिफरेंट है और इसके जो मैंने कर्व्स लिए हैं उसकी एजेस ली हैं वो थोड़ी सी मैंने मोटी की हैं एजेस को, और आप देख रहे होंगे कितने खूबसूरत लग रहा है। इस पर भी हम सुनाए हम बहुत ज़रूरी होते हैं, ये जो राउंड राउंड होते हैं ये हमारी बारीक मेहंदी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं, इसकी फीलिंग होती है, पूरी पूरी मेहंदियाँ इससे लगी हुई होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती हैं। सिर्फ जो हमारी बेसिक चीज़ें आप लोगों की वो बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी तो आप बड़े से बड़े डिज़ाइन को बखूबी और खूबसूरती लगा सकते हैं। और इसमें देखिए मैंने फीलिंग की है, डबल राउंड वाली फीलिंग की है, ये सब अलग अलग भी मैं आपको बता दूंगी और आपके एक वीडियो शेयर करूंगी, और इसमें मैंने डिफरेंट स्टाइल में किए ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके और आप लोग खुद अपने स्टाइल से बनाए। इसमें मैंने थोड़ा मोर वाला शेप दिया है उसके फेस पे, केरी के फेस पे, और इसकी भी एजेस वैसे ही निकाली हैं और इसमें डिफरेंट स्टाइल की फीलिंग करी है। जैसे आप लोगों ने देखा कि हमने एक ही चीज़ को कितनी स्टाइल में देख लगा सकते हैं। अब मैं आपके साथ एक चीज़, कल मैंने कट्स बनाए थे बंचेस के, आज एक बड़ा बंच कट बनाऊंगी शेयर करूंगी और आप लोग भी उसकी प्रैक्टिस करिएगा और उसके साथ ही उसके ही डिफरेंट स्टाइल उस थोड़े सोच के समझ के और न्यू स्टाइल की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आप लोगों को आएगा। ये बहुत खूबसूरत बंच है और बहुत ज़्यादा बारीक मेहंदी में यूज़ होता है, उसमें सब में आप देख सकते हैं कि वही हम्स यूज़ हो रहे हैं। इस पर जितना आपका हाथ सेट होगा उतनी ही खूबसूरती आपकी मेहंदी में आएगी। और उसके बाद जो मैंने ऊपर लिया ली है थोड़ी मोटी लेनी है लेयर, ताकि आप लोग ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो लगे, सही है। और इसके बाद मैंने फूल बनाना शुरू करा है, फूल जो है छोटे छोटे फूल ऊपर और नीचे बना लिया ताकि हमारा सेंटर नुमाया हो जाएगा। ये चीज़ सबसे अहम होती है कि हमें सर्किल शेप लानी है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हमें बहुत एहतियात से अपना सोच समझ के सर्किल को बिल्कुल परफेक्टली आए ताकि खूबसूरती उसी से आएगी। जब हमारी हर चीज़ परफेक्ट होगी, अच्छी खूबसूरती से बनी हुई होगी, हमारे जो डॉट्स हैं वो खूबसूरती से निकले हुए होंगे, डॉट्स को ऐसे जमा के मेहंदी रखनी है फिर उसको पुश करना है, तो फिर हमारा जो डॉट है ऐसे ही सारे बराबर निकलेंगे। अगर हम रैंडमली लगाएंगे तो हमारे कोई से भी डॉट्स बराबर नहीं निकलेंगे, ये चीज़ का खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी बड़ी बड़ी गलतियाँ बन जाती हैं जो कि और हमारी खूबसूरती नहीं आती। देखिए मैंने यहाँ पर तीन तीन डॉट्स एक साथ करके लगाए, पहले मैंने एक एक डॉट लगाया था, अभी तीन तीन डॉट्स का पेयर बना के इस पर मैंने साइड्स में लगाए हैं, जो कि और ज़्यादा हमारे डिज़ाइन को खूबसूरत कर रहे हैं। देखिए हमने मैंने कितना डिज़ाइन लगाया। इसके साथ ही मैं आपको केरी शेयर कर दूं, केरी बताऊंगी कि कैसे इसके साथ लगेगी और कैसे खूबसूरत डिज़ाइन, हाथ पे छोटा सा डिज़ाइन, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं मगर बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अभी ईद पर लोग ऐसे डिज़ाइन बहुत पसंद करते हैं और वैसे भी आम रूटीन में मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, और मेहंदी लगाने से हाथ में बहुत ज़्यादा खूबसूरती आती है, जो कि बिल्कुल सही बात है, खूबसूरती आपके हाथ में जब भी आती है। और आप देख रहे हैं कि मैंने इस पे हम्स बनाए हैं और हम्स को बनाने के बाद मैंने इसके ऊपर एक और लेयर लिए, और उसके ऊपर मैंने एक और लेयर लेने के बाद डॉट्स लगाऊंगी ताकि और ज़्यादा मेरी जो लेयर्स होती है वो प्रोमिनेंट हो, और इसमें भी फिलिंग करूँगी थोड़े डिफरेंट स्टाइल की होगी डबल। इसमें मैंने तीन फूल ऊपर बनाए हैं ताकि आप देख सकते हैं कि वही चीज़ें जो हमने कल यूज़ की थी और आज एक बड़े डिज़ाइन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों के पास भी आइडिया होगा और आप लोग भी अच्छे से बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इस पर बनाया और अब इसकी बस एंड कर दूंगी, और आपको अगर थोड़ा और बड़ा डिज़ाइन चाहिए तो आप इसी तरह एक और केरी भी ऐड कर सकते हैं और छोटा फूल भी बना सकते हैं, और इससे आपका डिज़ाइन और ज़्यादा एलिगेंट और डिफरेंट और ख़ूबसूरत लगेगा और बारीक भी लगेगा, बिल्कुल नाजुक नाजुक सा लगेगा, और जितना आपका बारीक डिज़ाइन होगा उतनी खूबसूरती में ज़्यादा लगेगी डिज़ाइन की। तो आप लोगों को बस ये ख्याल रखना है कि आपका हाथ सेट रहे, आपका एंगल सही रहे, जो आप चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं वो परफेक्टली ड्रॉ हो, इस चीज़ थोड़ी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बड़े बड़े डिज़ाइन बखूबी और बस खूबसूरती आप घर बैठे अपनी अच्छी से अच्छी मेहंदी सीख सकते हैं। अगर आप में इंटरेस्ट, आज की वीडियो के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं।